थ्री हो गया भाई, थ्री हो गया। वाह भाई, इस चूतिए का कारनामा देखो। हम प्लान कर रहे थे 8 अप्रैल को इसका बर्थडे है, और हम नेक्स्ट सैटरडे को इसका बर्थडे 8 अप्रैल को, नहीं नेक्स्ट सैटरडे को जा रहे थे बर्थडे मंडे को। हाँ मतलब इसका बर्थडे 8 अप्रैल को है, और हम सैटरडे को 6 अप्रैल के आसपास हम ऋषिकेश जाने का प्लान कर रहे थे। वहाँ इसके बर्थडे में बंजी जंपिंग और रिवर राफ्टिंग वगैरह करने की सोच रहे थे। हमने टिकट बुक करना स्टार्ट किया, और इस पागल इंसान ने इसने आज की टिकट कर दी। आज भी सैटरडे है, अभी ना 6 बज रहे हैं और 10:30 की हमारी टिकट है। बस की टिकट है 1100 रुपए की, अब बैठ के कैंसिल करा रहा है। 500 की एक टिकट है, 1100 रुपए फंस गए हमारे। वो मुझे यार नेक्स्ट सैटरडे ट्रांसफर करानी है, मैंने गलती से आज ही करा दी उसको। ट्रांसफर हो सकता है? नेक्स्ट सैटरडे है, मेरी सॉरी टू इन्फॉर्म दैट हमारे तरफ से देर से नहीं होता, और ना ही अगर आप भी ना ऐप में द्वारा कर देगा तो आपको भी नहीं होता। ट्रांसफर नहीं हो सकता वही मतलब? नहीं, हमारे तरफ से नहीं होता सर, ना ही मतलब ये पैसा डूब गया तो आज जाना पड़ेगा। कुछ ऐप्स पता है करवा देते हैं, पता नहीं आप क्यों नहीं करवा रहे। तो मतलब अभी निकल रहे हैं, 31 की रात में रुकेंगे ना, 31 रात की है ना, मतलब कल सुबह 11 बजे चेक इन है इसमें। 4 बार वेरीफाई कर भाई, इसका गलत हुआ ना बहुत मारूंगा। 31 को चेक इन, 1 को चेक आउट, 2 एडल्ट 2 बेड है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, डन कर दे। और अपना टी शर्ट वी शर्ट नहीं चाहिए क्या? 1-2 वहाँ लेके जाके तू लेना भाई, मेरे पास था, यहाँ से लेके जाऊंगा मैं। बैग है इतने में क्या रखेगा भाई, इतने बड़े बैग में एक लैपटॉप भी रखना पड़ेगा भाई। एक प्रोजेक्ट भी है 31 तक खत्म करना है, वो मैं बस में करने का प्लान कर रहा हूँ। अभी मैं कहीं नहीं जाने वाला था, मैं ये काम करने वाला था यार। 30 और 31 पूरा दिन काम करने वाला था। सुबह भी टाइम है, फिर सुबह टाइम, 2 दिन में काम करने वाला था इसके चक्कर में भाई। कोई नहीं, देखते हैं। 9 बजे हम यहाँ से निकल जाएंगे, और मेरे को जो काम था मैं फटाफट निपटा रहा हूँ। वैसे तो बहुत मुश्किल लग रहा है, हो नहीं पाएगा, बस में भी करूंगा, मेट्रो में भी करूंगा और करता रहूंगा। तो हमारा डिनर आ चुका है, और ये अपने लिए मैगी लेके आया है। टाइम भी बहुत कम बचा है हमारे पास खाना खा के, और तुरंत तुरंत निकलना है हमें। तो भाई फटाफट खाते हैं और निकलते हैं पैकिंग करके जल्दी जल्दी। ऑलमोस्ट हो रहा है, बट इसमें लगेगा टाइम। बस में कर लूंगा थोड़ा सा, और थोड़ा सा क्लाइंट को गोली दूंगा कि नहीं हो पाया, डेडलाइन जो दी थी उस टाइम पे नहीं हो पाया। क्लाइंट कैसे देखेगा। मेट्रो से नीचे आ चुके हैं, और यहाँ पे काफी सारे बार्स पब्स और पता नहीं क्या क्या है। कितनी दूर है हमारा? ये रहा इंटरसिटी का, ये वेटिंग लाउंज है ना। चल 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 आ जा। बड़ी अजीब बस है यार, इसमें क्या बात कर रहा है, चार्जर नहीं है, क्या बात कर रहा है। इस बस में ना प्लग नहीं है, बस यूएसबी का चार्जर दे रखा है इन लोगों ने। रुद्र शिवा ढाबा भाई मामा यादव, ये देखो इंटीरियर देखो। मेरे को पहले से मालूम था, मुझे पहले से मालूम था ये ऐसा ही होने वाला है। यहाँ पे सारे फूड आइटम्स लगे हुए हैं, और अंदर यहाँ पे खाना प्रिपेयर हो रहा है। तो यार ये ढाबा जो है ना यार, ये ढाबा मत बोलो इसको, 5-स्टार होटल बोलो भाई। और इस बंदे की पूरी स्टोरी है इस पेज पे, ये रहा। अपने कौशल भाई ने मंगाया है खीर, थोड़ा सा खीर मंगाया है। ये रहा हमारा गुलाब जामुन आ चुका है भाई, मैंने अपने लिए मंगाया था दो। चुपचाप रख। अच्छा खाना है क्या सही में? एक और मंगा ले भाई। हमारी बस कभी भी जा सकती है, कौशल जा रहा है देखने कि क्या स्टेटस है बस का।
जब तक मैं निपटा रहा था बहुत ज्यादा था तो खाना खा नहीं पाया पूरा, तो मैंने ना पैक करा लिया, अब मैं बस में खाऊंगा इसे। एंड यहाँ पे आ गए हैं बिल, जल्दी जल्दी पे कर दे भाई। कितने का बना बिल? 330 रुपए का। सही है। और ये नाना बोल के बहुत खा लिया इसने, देखो कैसे ठूस रहा है। दांत की वो ये एक्सट्रैक्शन मत खा भाई, इन्फेक्शन हो जाएगा, ये सब बहुत खराब चीज है, मत खा। हो गया भाई, सो जाते हैं हम। ठीक है, सीधा मिलेंगे कल आज के ब्लॉग की समाप्ति होती है। बाय बाय, गुड नाइट। सिट्टी 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 तेरा प्यार चाहिदा।